हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग हम जा रहे हैं, मैं और निधि। निधि कहाँ जा रही है? आज हम दोनों बहन जा रहे हैं चिंताहरण, जो कि हमारे मथुरा में है। बहुत अच्छा शिव महाकाल का मंदिर है, और आप जैसे देख सकते हो आज मैंने भी महाकाल की टी शर्ट पहनी है। नेक्स्ट टाइम मैं निधि को भी दिलाने वाली हूँ महाकाल की। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं निधि? चिंताहरण महादेव गोकुल के पास में है, और आज हम वहाँ का पूरा ब्लॉग बनाने वाले हैं, और बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला ब्लॉग। तो पूरा लास्ट तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब हम चलते हैं चिंताहरण। तो गाइस, हम लोग ना चिंताहरण जा रहे हैं। हम लोग रमन रेती वाला रास्ता लिया है हमने, गोकुल से होते हुए रमन रेती जाते हुए। तो यहाँ आप देख सकते हैं बीच में हमारा रमन रेती पड़ता है। तो यहाँ का ब्लॉग हम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हम अभी सीधा चिंताहरण जा रहे हैं। हम नेक्स्ट टाइम यहाँ का ब्लॉग बनाएंगे। अभी मैंने यहाँ का ब्लॉग बनाया भी नहीं है। तो ये है हमारा बाहर से रमन रेती, जैसे कुछ इस तरह से दिखाई देता है। देख सकते हैं ये मंदिर का गेट यहाँ पे है। ये तो ये अंदर से बहुत 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 बड़ा है, और यहाँ पर देखिए इधर अंदर से बहुत बहुत बड़ा है रमन रेती। नेक्स्ट टाइम रमन रेती लेने वाले हैं, अभी हम सीधा चिंताहरण जा रहे हैं। तो ये रमन रेती का है पूरा, और हम सीधा चल रहे हैं चिंताहरण की तरफ। तो फाइनली गाइस, यहाँ पर मेरे पीछे देख रहे हैं आप, यहाँ चिंताहरण महादेव का मंदिर है। तो कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान जब 7 साल की उम्र के थे, तब उन्होंने मिट्टी खाई थी, तो माँ यशोदा ने उनका मुँह खुलवाया था। तब उनके मुँह में बहुत सारी मिट्टी थी, लेकिन उन्हें मिट्टी तो नहीं दिखाई दी, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के उन्हें दर्शन हो गए थे। तो यशोदा माँ घबरा कर बेहोश हो गई थी। तब उन्होंने महादेव को पुकारा था कि हे महादेव, मैंने पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए हैं। वो एकदम घबरा गई। तो महादेव जब प्रकट हुए सामने, तो उन्होंने कहा, तब उन्होंने महादेव से कहा कि हे महादेव, मैंने अपने लाल के मुँह में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करे हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तब महादेव ने उनकी चिंता को दूर किया और उन्हें बताया। तब फिर यहाँ पर ये मंदिर श्री कृष्ण के कालीन मंदिर है। जब माँ ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे ये वरदान मांगती हूँ कि जब भी प्राचीन कलयुग में कोई भी किसी को बहुत ज़्यादा चिंता है, तो वो यहाँ पर एक लोटा जमुना जी का आपको अर्पित करेगा, तो उसके बाद में उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। तो कहा जाता है कि 1108 शिवलिंग के दर्शन यहाँ होते हैं। जो कोई जमुना जी का एक लोटा जमुना जी का एक लोटा पानी यहाँ पर शिवलिंग पर अर्पित करता है, तो उसको 1108 शिवलिंग की 1108 शिवलिंग का जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। तो आज हम ही यहाँ पर इसी चिंताहरण महादेव के दर्शन करने आए हैं, पूरा ब्लॉग बनाने आए, और इसलिए यहाँ पर चिंताहरण इसलिए नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ जो भी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा भावना से भगवान को एक लोटा जमुना जी का जल, एक लोटा जल शिव महादेव को चढ़ाते हैं, तो यहाँ पर उसकी सारी चिंताएं दूर कर ली जाती हैं। तो अब हम चलते हैं। ये जो चिंताहरण महादेव का मंदिर है, जमुना जी के बिल्कुल किनारे उपस्थित है, और मथुरा से केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अब हम चलते हैं आगे, मंदिर का पूरा दर्शन करते हैं। तो फाइनली आज का मौसम बहुत बहुत अच्छा है, तो अभी हम आगे चल रहे हैं। चलें लड़ो। तो अभी हम चल रहे हैं चिंताहरण महादेव की तरफ। तो यहाँ पर भीड़ हमेशा रहती है, आज मंडे नहीं है। अगर मंडे होता तो यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ रहती, और मंडे के दिन तो यहाँ पर पैर भी रखना मतलब दुश्वार हो जाता है। तो आज मंडे नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर स्पेशली ब्लॉग इसलिए बनाने आए थे कि शांति से ब्लॉग बने और भगवान के अच्छे से दर्शन हो। तो यहाँ फिर भी आपको मैं यहाँ का पीछे का नज़ारा दिखाती हूँ। आज यहाँ मंडे नहीं है, और फिर भी यहाँ पर इतना क्राउड है, इतनी भीड़ है कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर पीछे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अभी हम आगे चलते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं। सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो लास्ट तक देखें। चिंताहरण महादेव के दर्शन ज़्यादा भीड़ है, आपको पीछे दिख रही होगी मेरे। और यहाँ पर मैंने पूजा के लिए थाली ले ली है महादेव के लिए। अब हम चलते हैं पूजा करने के लिए। तो गाइस, मेरे चैनल को पूरा देखें और वीडियो भी देखें पूरी, इसकी बिल्कुल भी ना करें, बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी, पर अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। तो ये हमारे नंदी भगवान है यहाँ पर, और ये शिवलिंग की मूर्ति है यहाँ पर महादेव। काफी अंधेरा हो रहा है बट मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। हर हर महादेव। मंडे के दिन यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ रहती कि पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती। मंदिर कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये छोटे से नंदी भगवान है और ये हमारे बड़े नंदी भगवान हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा कैमरामैन पूजा कर रहा है, अभी बहुत ज़्यादा बिजी है। मंदिर में थोड़ी अंधेरा है क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और शाम का टाइम है। तो फाइनली आप यहाँ देख सकते हैं मुझे दर्शन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से हुए और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। मंडे के दिन यहाँ पर पैर रखने तक के लिए जगह नहीं मिलती है और मंदिर कुछ इस तरह से है यहाँ का। कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छी पूजा हो गई, बहुत ज़्यादा मन को शांति मिली है। गाइस आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है और मैंने तो अच्छे से चिंता, मेरी जो भी चिंता है मैं महादेव से कहती हूँ, मेरी सारी चिंता महादेव हर। तो चिंताहरण महादेव के मंदिर के बाहर ये यहाँ पर राम सीता और लक्ष्मण जी भी हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ कृष्ण राधा की मूर्ति भी है। यह चिंताहरण महादेव के मंदिर के सारे अंदर अंदर हैं और आपको जस्ट मेरे वहाँ पर दिख रहा होगा जमुना जी बह रही है। ये जमुना जी के जस्ट बिल्कुल पास में ही है महादेव जी का मंदिर। ये चिंताहरण महादेव के अंदर मंदिर के अंदर सारे छोटे छोटे भगवान के मंदिर हैं। ये शनिदेव महादेव का मंदिर है। तो बाहर से कुछ इस तरह से दिखाई देता है मंदिर। सबसे मेरे जस्ट पीछे हनुमान जी की भी मूर्ति है यहाँ पर। तो चिंताहरण मंदिर के अंदर बहुत सारे भगवान जी की मूर्ति है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले मुझे अब ये थाली वहाँ देनी है। ये थाली आपके यहाँ इजीली परचेज होती है, यहाँ 50 रुपये की थाली मिलती है, लोटा साथ में मिलता है। और जब हमने यहाँ पर भरा था जमुना जी का ही होता है। तो जमुना जी को अभी हम चलते हैं, बिल्कुल साथ में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी हम चलते हैं जमुना जी की तरफ। तो फाइनली अब हम चलते हैं जमुना जी के किनारे पर। यहाँ से चिंताहरण के बिल्कुल जस्ट पास में ही है जमुना जी है हमारी, बहुत बड़ी जमुना जी है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर माँ यशोदा ने जब महादेव को पुकारा था तो महादेव यहाँ प्रकट हुए थे। तो सभी भक्तों की यहाँ पर चिंताहरण महादेव जो है हमारी पुकार सुनते हैं और सारी चिंताएं दूर करते हैं। तो मेरी भी कुछ चिंताएं मैं अपने महादेव से मांगने आई हूँ कि सारी चिंताएं प्रभु दूर करें जल्दी से जल्दी।
तो अभी मैं आपको यहाँ दिखाने जा रही हूँ जमुना जी। तो जमुना जी बहुत बड़ी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं जमुना जी का बहाव बहुत तेजी से स्पीड में है। अभी हम नीचे जाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि जमुना जी काफ़ी ऊंचा लेवल दिखाई दे रही है, काफ़ी ऊंचा लेवल है जमुना जी का। तो चलते हैं हम नीचे अभी जमुना जी के। तो हम यहाँ से कहाँ से जाएँ, ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, हम देख सकते हैं जमुना जी के दर्शन करा रही हूँ मैं आपको। गाइस मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और बहुत सारा प्यार दें। जमुना जी की जो मिट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये मिट्टी नहीं होती है, बालू होती है ये। हाँ बालू मिट्टी बहुत, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बहुत है और जमुना जी का जो लेवल है काफ़ी हाई लेवल है। पहले ये लेवल वहाँ पे था उस साइड, आगे की साइड से ये बहुत ज़्यादा लेवल हाई हो गया है। तो फाइनली हमने आपको पूरा आज चिंताहरण महादेव के दर्शन कराए हैं और ये मेरे पीछे जमुना जी आपको दिखाई दे रही होगी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पर ये ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में हम जल्दी मिलेंगे। हर हर महादेव, और हमारे ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दें, लाइक दें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, शेयर भी करें। बाय बाय।